दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में है, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले दिन कई रियायतें भी दिल्ली में दी गई हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें 100% खोला जा रहा है। इसके अलावा निजी दफ्तर को भी 33% स्टाफ के साथ खोला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं, इन रियायतों को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से पेट्रोलिंग की जाएगी, किस तरह से नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क और ग्लव्स लगाए जाएं, 33% ही वहां पर दफ्तरों में लोग पहुंचे, इन सब चीजों को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्या पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे? ये कहा गया है कि लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, लेकिन जहां तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 11 के 11 जो जिले हैं वो पूरी तरीके से रेड जोन है। तो इन इलाकों को लेकर के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि वो लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उन ऑफिसेज में जा रहे हैं तो उनको 100% जाना है। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट ऑफिसेज में जा रहे हैं उनको 33% जाना है। लेकिन आज की स्थिति में ITO पर इस वक्त खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग यहाँ पर रेड जोन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ITO की आप सिचुएशन इस वक्त देख रही हैं कि किस तरीके से लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पर अपने घरों से निकल आए हैं। आलम यहाँ पर यह है कि ITO का जो पूरा पुल है भारी लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से यहाँ पर पूरा चौकसी बरती जा रही है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि आम दिनों में जो कि लॉकडाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो लोग निकलते थे तो उतनी संख्या में लोग यहाँ पर नहीं निकले हुए हैं, लेकिन आज अभी यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की आप देख रहे हैं पूरी कतार यहाँ पर लंबी लगी हुई है। हालांकि पुलिस सबसे चेकिंग भी कर रही है, जो लोग गाड़ियों में दो दो की संख्या में पहुँच रहे हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा करके क्यों नहीं आए हैं। तो ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से छूट दी गई है अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के ये लोग पालन कराते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ग्रीन जोन के इलाके में दिल्ली का कोई भी एरिया नहीं आता है, ना भी ऑरेंज जोन का कोई इलाका दिल्ली में आता है, रेड जोन का पूरा इलाका है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ है। प्राइवेट कर्मचारी जो हैं वो अपनी कंपनियों के लिए निकल रहे हैं तो उनके कार्ड देख करके उनको जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहां अभिषेक आनंद नोएडा से जुड़ गए हैं। अभिषेक, नोएडा में हमने बीते दो लॉकडाउन में ये देखा, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में, कि हॉटस्पॉट्स कम भी हुए, हॉटस्पॉट्स बढ़े भी। कुछ ऐसे जोन्स थे जो ऑरेंज से ग्रीन में आ गए, कुछ थे जो रेड हो गए। ऐसे में अब एक अनिश्चितता का दौर है, नोएडा में भी वही देखा जा रहा है, कैसे है आगे की तैयारी? जी बिल्कुल नेहा, हॉटस्पॉट्स बढ़े भी हैं, कम भी हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की संख्या नोएडा में पूरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और RWA के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर बताएंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मनमोहन मेहरा है। मेहरा साहब, क्या चल रहा है, कितनी दुकानें खुली हैं और क्या मेड्स और कार क्लीनर इस तरह की एसेंशियल चीज़ें जो अभी तक अलाउड नहीं थी क्या अलाउड हैं अब? कार क्लीनर तो अभी भी अलाउड नहीं है। मेड्स एसेंशियल सर्विसेज में जहां मेडिकल ग्राउंड है और जहां एल्डरली लोग हैं उनको मेड सर्विसेज सुविधा अभी भी अवेलेबल है। उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वो कहां से आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है डेली बेसिस पे। और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज है, मिल्क और ग्रोसरी की डिलीवरी है, वो लॉबीज तक ही अलाउड करी जा रही है। सलून्स और बार्बर जो हैं वो खुले हैं क्या? ये अभी तक तो नहीं खुले हैं, हम लोग भी गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं कि ये ग्रीन जोन में आए या फिर स्पेसिफिकली ये सर्विसेज यहाँ ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल तक अभी तक ये नहीं खुले हैं, अब खुलने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मतलब स्थिति जो पहले थी वैसी ही है, अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं है कि क्या मेड्स को आप आने देंगे, नॉर्मली बार्बर्स की शॉप खुलेंगी, सलून्स खुलेंगे, इसकी अभी क्लियरिटी नहीं है? हमने लोगों के सहयोग से जितनी मिनिमम जरूरत थी मेड्स की वो तो हमने कवर कर रखी है। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये ग्रीन जोन में आए या स्पेसिफिक गाइडलाइंस आए कि मेड एज यूजुअल घरों में जा सकती हैं, तो हम वो भी फिर यहाँ लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। तो नेहा, कंफ्यूजन है यहाँ पर इस वक्त, जो चीज़ें पहले थी नोएडा में वही इस वक्त हैं, सड़कें खाली हैं, पीछे बैरिकेड्स हैं, सारे जो रास्ते हैं जो गाजियाबाद से सटे हुए, जो दिल्ली का जो रास्ता है वो सब कुछ ब्लॉक्ड है। जो पहले स्थिति थी लॉकडाउन 2.0 की वही स्थिति अभी भी है।